आप एक रुपया का निर्णय लेते हो, आपकी भागीदारी 15%, 100 रुपए में से 1 रुपया आपका। और आदिवासी भाई, उनकी आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे उनके। तो अगर आप पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जोड़ दो, 100 रुपए खर्च होते हैं, 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। यह है असली अपमान। इसीलिए मैं हर स्पीच में कहता हूं और लोकसभा में मैंने कहा है कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी 2 काम तो करके दिखाएगी। पहला काम जाति जनगणना, कि इस देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए कि उसके जेब में से कितनी चोरी हो रही है और कैसे हो रही है। दोहराता हूं कि देश के हर दलित को, हर आदिवासी को, हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को पता लग जाए कि उसके जेब में से कितना पैसा छीना जा रहा है। जाति जनगणना में सबको पता लग जाएगा कि आबादी किसकी कितनी है। जाति जनगणना में हम यह भी पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान की संस्थाएं जो हैं उसमें दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने। मीडिया को देखो, हर शाम टॉक शो होते हैं, इनकी बातचीत होती है। मुझे नाम बता दो इनके मालिकों में से, बड़े बड़े पत्रकारों में से मुझे एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी नाम बता दो, कौन सा है बता दो, एक भी नहीं मिलेगा आपको। 24 घंटा बातचीत चलती रहती है, 90% लोग तो है ही नहीं मीडिया में। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की बात करो, 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, मुझे दिखा दो उनमें ओबीसी कौन है, दलित कौन है, पिछड़े वर्ग का आदिवासी कौन है। कोई नहीं है, एक नहीं है। अदानी जी की कंपनी की लिस्ट दिखा दूंगा आपको, मैनेजमेंट की लिस्ट दिखा दूंगा, उसमें एक आपको ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा वर्ग का नहीं मिलेगा। करोड़ों रुपए की सैलरी होती है मगर उसमें एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक पिछड़ा नहीं। और गलती से एक आ गया तो उसको पीछे कमरे में बैठा देंगे। यही हालत जुडिशरी में। प्राइवेट अस्पतालों की बात करो, मुझे बता दो कौन से प्राइवेट अस्पताल का मालिक दलित वर्ग का है, आदिवासी वर्ग का है, पिछड़े वर्ग का है, नाम दे दो मुझे। और यही शिक्षा में बात है, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट अस्पताल, सारा का सारा प्राइवेट हो रहा है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जगह मिल जाती थी, आस्ते आस्ते वो सब बंद हो रहा है। इसलिए हमने कहा है भैया जाति जनगणना होगी, लोकसभा में होगी, राज्यसभा में पास होगी, हम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है समानता होनी चाहिए, इसमें लिखा है, इसमें लिखा है हर व्यक्ति को एक वोट मिलना चाहिए, इसमें लिखा है समानता होनी चाहिए, इसमें लिखा है हिंदुस्तान की संस्थाएं हिंदुस्तान की जनता की संस्थाएं हैं, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। तो पहला काम जाति जनगणना, दूसरा काम ये जो 50% का बना रखा है, रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है, इसको तोड़ के हम अलग कर देंगे, परे कर देंगे। हमें 90% वाला हिंदुस्तान चाहिए जिसमें किसानों की रिस्पेक्ट हो, मजदूरों की रिस्पेक्ट हो, छोटे व्यापारियों की रिस्पेक्ट हो। आज 20-25 लोगों के पास हिंदुस्तान
हिंदुस्तान का पूरा धन। छत्तीसगढ़ में हमने सरकार बनाई, हमने पहले ही वायदा कर दिया कि हम धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसान को 3,000 रुपए देंगे, खत्म। और फिर चेक कर लो छत्तीसगढ़ के लोगों से जाके पूछ लो मिला या ना मिला। कर्नाटक में हमने कहा कर्जा माफ होगा, महालक्ष्मी योजना होगी, महिलाएं बस में फ्री जाएंगी, पता लगा लो हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने मन बना लिया है जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा उतना पैसा हम महाराष्ट्र के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को देंगे। इसीलिए हमारी पहली योजना, यहां जो महिलाएं आई हैं आप अच्छी तरह सुन लीजिए, महालक्ष्मी योजना, हर महीने 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में खटाखट अंदर। और महाराष्ट्र में जब आप बस में जाएंगी आपको अपने जेब से 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। किसानों को 3,00,000 रुपए तक का कर्जा माफ होगा, और चाहे वो, और आपकी प्रोक्योरमेंट होगी तो एमएसपी पे आपकी प्रोक्योरमेंट होगी। मैं जानता हूं कि चाहे धान के किसान हो, कपास या सोयाबीन, मैं जानता हूं आपके साथ क्या होता है, आपको सही दाम नहीं मिलता है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि चाहे वो धान के किसान हो, सोयाबीन के किसान हो, कपास के किसान हो, आपको मार्केट में सही रेट मिले। हर गरीब व्यक्ति को 25,00,000 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस हमारी सरकार देने जा रही है। जैसे मैंने कहा, सारे के सारे अस्पताल इन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं, स्टेंट लगानी पड़ती है, इलाज करवाना पड़ता है। गरीब किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, लाखों रुपए लग जाते हैं। इसलिए हमारी योजना आपको 25,00,000 रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस में ऑपरेशन करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए देगी। और आखिरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला रखी है। ये इन्होंने जो नोटबंदी की, ये जो गलत जीएसटी इन्होंने लागू की, अरबपतियों का 16,00,000 करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ किया है, इससे हिंदुस्तान की रोजगार की जो रीढ़ की हड्डी थी ये टूट गई है। ये सच्चाई है।